मैंने बहुत कोशिश की कि मैं किसी तरीके से आज ना, मगर मुझे माफ कर दो आमिर, तुम्हारी ये बेरुखी मेरी जान ले लेगी। ये सब कुछ जो हुआ है इसका कसूरवार कौन है जोया? तो क्या इतनी बड़ी सजा दोगे कि बात नहीं करोगे, मेरा फोन नहीं उठाओगे, मेरा हाल तक नहीं पूछोगे? क्या पूछूं मैं जोया, मैं जानता हूं तुम कुछ नहीं। मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को तुम्हारे लिए मना लूं, लेकिन क्या करूं, तुम्हारा झूठ और धोखा याद आ जाता है। मैं कहां जाऊं जोया, क्या करूं? मुझे माफ कर दो, मैं माफी मांग रही हूँ। मैं तुम्हारे माँ बाप के पैरों में गिर जाऊंगी, लेकिन मैं सबसे माफी मांग लूंगी, लेकिन तुम मुझे मत छोड़ो। मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बगैर, और मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें तुम मेरे साथ नहीं हो। अच्छा इधर बैठो, सबसे माफी मांगने से बेहतर है कि तुम खुद को बदलने की कोशिश करो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए अभी भी जगह है, लेकिन मेरे घर में जगह बनाने के लिए तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी। जोया मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, इससे तो शादी की, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने घर नहीं लेके जा सकता। तो कब कब लेके जा सकते हो? जोया मैं अपने माँ बाप का सब कुछ हूँ, इकलौता हूं मैं उनका, मुझे अपने आप पर काम करने की जरूरत है। मैं जानता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि घर बसाने के लिए इस एहसास की जरूरत होती है, एतबार की जरूरत होती है, खुलूस की जरूरत होती है। और अब मैं बाबा के कारोबार में उनकी हेल्प करना चाहता हूं, खुद कुछ बनना चाहता हूं। तुम्हें भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने की जरूरत है, अपने पैरों पर खड़े होने की जरूरत है, तुम्हें भी कुछ बनने की जरूरत है। मैं तब आऊंगा ना तुम्हें लेने, देखो जोया रोना मत प्लीज, मुझसे नहीं देखा जाता। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।